बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे उस ऐतिहासिक दिन की। 21 जनवरी का आज दिन और पटना का गांधी मैदान गवाह बना उस ऐतिहासिक पल का, जिसमें तमाम लोग नजर आए, कतारबद्ध नजर आए। यहां पर तमाम लोग मानव श्रृंखला में शामिल होने के लिए यहां पर लोग मौजूद रहे। सीएम नीतीश कुमार ने गुब्बारे उड़ाकर इसकी शुरुआत की और सभी लोगों को दहेज और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ लड़ने का संकल्प दिलाया। दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे के बीच स्कूली बच्चे, अभिभावक, शिक्षक, अधिकारी, मंत्री, विधायक से लेकर सूबे के आम नागरिक हाथों में हाथ थामकर विश्व की सबसे लंबी मानव श्रृंखला बनाते हुए नजर आए। 13,668 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला में करीब 5 करोड़ लोग शामिल हुए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के गांधी मैदान में गुब्बारे छोड़कर इसकी शुरुआत की। मानव श्रृंखला को लेकर बड़े पैमाने पर साफ सफाई की व्यवस्था की गई, सुरक्षा को लेकर भी तमाम इंतजाम किए गए। ड्रोन के मदद से नजर रखी जा रही थी तमाम व्यवस्थाओं पर, सैटेलाइट के जरिए तस्वीर खींची गई मानव श्रृंखला की। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि शराबबंदी को लेकर जिस तरीके से मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया था, उसके बाद से उत्साहित बिहार की जनता ने एक बार फिर से सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ संकल्प लिया और ये संदेश देने की कोशिश की कि सभी हाथ जोड़कर एक साथ हैं सामाजिक कुरीतियों को खत्म करने के लिए। लेना गुना इसके लिए भी कानून बना हुआ है, लेकिन फिर भी जो पहले संपन्न परिवारों के बीच में दहेज प्रथा प्रचलित थी, अब वो धीरे धीरे फैल करके आम लोगों के बीच में भी ये प्रथा फैल गई और ये सामाजिक कुरीति। इसलिए हम लोगों ने बापू के जन्मदिन 2 अक्टूबर से 2017 से बाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ लोगों का मन बनाने के लिए, जागृति पैदा करने के लिए, लोग अपने संकल्प को प्रकट करें, इसके लिए हम लोगों ने निरंतर कैंपेन किया और यह कैंपेन, यह अभियान जारी रहेगा। लेकिन इसी में यह एक कार्यक्रम के तौर पर कि जब 2 महीने से इतना बड़ा कैंपेन 2.5 महीने से चल रहा है, तो लोगों के संकल्प का प्रकटीकरण सार्वजनिक तौर पर भी होना चाहिए। बाल विवाह के खिलाफ आज बिहार ने अपने जंग का ऐलान किया और इन दोनों सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आज बिहार एक नया इतिहास रचने जा रहा है। और बिहार के जो तमाम बड़े गणमान्य लोग हैं, आम लोग हैं, बच्चे हैं, तमाम लोग इस अभियान में भाग ले रहे हैं और सीएम से इस श्रृंखला की शुरुआत हुई है। जो इस अभियान का उद्देश्य है वो इतना है कि बिहार जिस सामाजिक कुरीति से जूझ रहा है, वो कुरीति किस तरह बिहार से खत्म हो, उसको लेकर के सरकार की जो कोशिश है, पहल है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इस सामाजिक अभियान पहल में भाग ले, इस अभियान के पार्ट बने, उन तमाम चीजों को लेकर के सर क्या मैसेज देने की कोशिश है? जो भी शुरू में शादी करते हैं बाल विवाह के रूप में, उनको जीवन भर बीमारियां झेलनी पड़ती है और दहेज दहेज नहीं है, शोषण है, इसमें कितने परिवार नष्ट हो जाते हैं। हम पूरा ध्यान रखें कि कोई भी लड़की की शादी 18 से पहले ना करें, लड़के की शादी 21 से पहले ना करें और दहेज तो बिल्कुल नहीं लें, तभी बिहार समृद्ध होगा, इसका इतिहास फिर से वापस आएगा। बिल्कुल, बिहार ने अपने सामाजिक अभियान की शुरुआत की है, सर क्या मैसेज बिहार देना चाहेगा? देखिए, बहुत ऐतिहासिक मानव श्रृंखला बनी है, जो कारण है बाल विवाह उन्मूलन और दहेज उन्मूलन, साथ ही साथ नशा मुक्ति के लिए बहुत ऐतिहासिक काम हो रहा है। जन जन में यह अभियान फैलेगा और इस प्रकार से बिहार पूरे देश को एक नई दिशा देगा। इससे पहले बिहार ने शराबबंदी को लेकर की भी मुहिम की शुरुआत की थी और उसमें भी बिहार को काफी बड़ी सफलता मिली थी। अब शराबबंदी के बाद एक बार दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ बिहार ने अपने अभियान की शुरुआत की है। सर क्या लगता है कि बिहार इस जंग को भी जीतेगा? बिल्कुल जीतेगा। आप जो देखिएगा जितनी जन भागीदारी आज के इस मानव श्रृंखला में और पिछले वर्ष के मानव श्रृंखला में है, ये बताती है कि पूरी जनता यहाँ की, चाहे वो अमीर है, गरीब है, हर तबके के लोग इस सामाजिक अभियान में जुड़े हुए हैं और ये हमें सफल कराएगा। जितनी लोगों की प्रतिबद्धता है, निश्चय हम सफल होंगे। बिल्कुल, बिहार ने आज अपने जंग का ऐलान किया है और निश्चित तौर पर बिहार ने इन जो दो सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आज जिस तरह मुहिम चढ़ी है, अगर इसमें बिहार को सफलता मिलती है तो निश्चित तौर पर बिहार से ये दो बड़ी सामाजिक जो बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, वो दूर हो पाएगी और निश्चित तौर पर एक नए बिहार का उदय होगा। सहयोगी धर्मेंद्र के साथ नवनीत कुमार, साधना न्यूज, पटना।
कार्यकर्ता बनने की शुरुआत हो चुकी है और यह कतार पटना के गांधी मैदान से शुरुआत हुई है। कई रंग इस कतार में देखने को मिल रहे हैं। मानव श्रृंखला भले ही एक नाम है कि हाथ से हाथ जोड़ो, लेकिन हाथ सचमुच कई तबके के जुड़ रहे हैं, समाज के कई चेहरे जुड़ रहे हैं, समाज के हर पहलू हर मुद्दे पे इसी तरह अगर जागरूकता फैल जाए तो जाहिर सी बात है कि समाज की जो बुराइयां हैं वह खत्म हो जाएगी। अशिक्षित समाज में शिक्षा की ज्योत जलेगी तो जाहिर सी बात है कि बुराइयां खत्म ही होगी, सामाजिक जो बंधन है वो टूटेगी। स्कूली छात्राएं, बच्चे और कई समाजसेवी संस्था के लोग भी पहुंचे हुए हैं जिन्हें दहेज प्रथा बाल विवाह के खिलाफ या बच्चे हैं, लेकिन इन सबसे अलग समाज का वो तबका जिसे ना दहेज प्रथा का डर है और ना ही बाल विवाह का, लेकिन समाज के इस प्रमुख बुराई के खिलाफ, इस समाज के कुष्ठा के खिलाफ सीधे तौर पे कंधे से कदम मिला के खड़ा है, हाथों में हाथे डाल के मजबूती से एक मजबूत जो मानव श्रृंखला की जो कतार बनी है, जो लंबी लाइन है, उसे जोड़ रही है। यह तबका है सबसे पिछड़ा, शायद जिनसे दूरी बनाया जाता है समाज में, वह तबका भी समाज के महत्वपूर्ण और जरूरत के सवाल पे सबसे पहले खड़ा है, यानी हम बात कर रहे हैं किन्नर समाज की। और आज मानव श्रृंखला में किन्नर समाज की जो टीमें हैं वह अपने अलग विचार के साथ, अलग सोच के साथ समाज को मैसेज देना चाहते हैं कि हम ना ही तो हमारी गिनती पुरुषों में होती है और ना ही महिलाओं में, लेकिन फिर भी समाज के मुख्य धारा में जुड़ने के लिए हम महिलाओं के श्रृंगार में, ज्यादातर हम महिलाएं होती हैं, लेकिन बाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ हम एक हैं और सरकार के साथ साथ समाज के साथ भी खड़े हैं। सबसे पहले आपकी इस पूरे टीम और इस थीम, और आप जो पिछले कई दिनों से बाल विवाह, दहेज प्रथा, शराबबंदी के खिलाफ मुहिम चलाए हुए, इससे आपकी टीम का क्या मैसेज है? हमारी जिंदगियां जिस तरीके से भेदभाव को प्राप्त करती हैं, तो क्यों ना हो, हम जितना ही मुख्य धारा के मुद्दों से जुड़ेंगी तो हमारे भी मुद्दे को मुख्य धारा के लोग लेंगे और हमारी भी जिंदगियां मुश्किल से अच्छी स्थितियों में आएगी, क्योंकि समाज सोचेगा कि हाँ, हम समाज के हर एक मुद्दे के साथ हैं कि जो सामाजिक बुराइयां हैं उसे खत्म करना है, तो क्यों ना हो कि समाज भी सोचे कि हमारी जिंदगियों की जो मुश्किलें हैं वो भी खत्म होंगी। दहेज लेना, दहेज देना, शादी विवाह, वह पुरुष और महिलाओं के बीच की बात आती है, समाज के दो मुख्य धारा जुड़ते हैं, लेकिन तीसरी धारा जो आपकी धारा है, आप जो लोग हैं वो जुड़ रहे हैं, इसका क्या मैसेज है? हम यही कहना चाहते हैं कि हम अपने आप को हर वो तरह से प्रूफ करना चाहते हैं जो कि आप जैसा कि एक आम आदमी करते हैं, हम समाज की मुख्य धारा से जुड़ के वो सब करना करके दिखा सकते हैं जो कि आप और लोग, अन्य लोग कर सकते हैं। दहेज भी नहीं देना है, शादी भी नहीं करना है, बच्चे भी नहीं पैदा होंगे, ऐसे में इस मुहिम में सक्रिय भूमिका निभाना कितनी बड़ी चुनौती और लोगों के लिए किस तरह का मैसेज? लोगों को हम यही कहना चाहते हैं कि बाल विवाह सही में अपने समाज के लिए एक बहुत ही गंभीर समस्या है, और दहेज लेना और देना, क्योंकि जहां एक लड़की की शादी जुड़ने की, दो परिवारों को जब जोड़ा जाता है, तो वहां दहेज लेना देना यानी सोना चांदी रुपया पैसा वो मायने नहीं रखता है। मायने रखता है तो आपसी अंडरस्टैंडिंग, आपसी प्रेम, आपसी विश्वास, आपसी तालमेल। आपके संगठन, जो आपकी जो टीम है, उसका क्या नाम है और इस किस माध्यम से आप लोग समाज में जाते हैं? हमारी संगठन का नाम है दोस्ताना सफर, और हम अपने संगठन के साथ हर वो काम को करते हैं, सामाजिक तौर पे सब वो काम करते हैं जो कि आप लोग सब करते हैं वैसा। समाज के प्रति जो बुराई हो रही है उस बुराई के मिटाने के लिए हम सपोर्ट में हैं। कितना कष्ट होता है जब आप किसी समाज के बीच में पहुंचती हैं और आज आपके हाथों से जब इतना कष्ट होता है, जब अगर सामने से क्रॉस करते हैं, अगर रास्ते रोकते हैं तो सामने वाला बोल के चला जाता है, हम लोग सुन के भी अनसुनी कर जाते हैं कि सुनने का आदत से पड़ गया है, ठीक है। और सबसे बड़ा बात है कि आदत इसलिए पड़ गया कि अब ये लगता है कि हमें जिंदगी भर सुनना पड़ेगा। भले ही इनके साथ भेदभाव होता है, लेकिन इनकी सोच है कि समाज में किसी और के साथ भेदभाव नहीं हो, समाज की जो कुरीतियां है उसे खत्म किया जाए, और यही वजह है कि आज इनके हाथ भी मजबूती से जुड़े हुए हैं। सहयोगी धर्मेंद्र और नवनीत के साथ गणेश सम्राट, पटना। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आह्वान पर जो मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया था बेगूसराय में, भी इसे
लेकर उत्साह देखने को मिला है। लोगों ने गाजे बाजे के साथ एक दूसरे का हाथ पकड़कर मानव श्रृंखला के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। आपको बता दें कि मानव श्रृंखला बाल विवाह और दहेज प्रथा के उन्मूलन के लिए बनाई गई है। पिछले साल भी मुख्यमंत्री के आह्वान पर शराबबंदी मानव श्रृंखला जो बनाई गई थी पूर्णतः सफल रही थी। इस बार भी बेगूसराय के लोगों में खासा उत्साह इसको लेकर देखने को मिला है। तो मानव श्रृंखला किस तरीके से बनाई गई, क्या कुछ खास रहा, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता जितेंद्र कुमार ने। तो मानव श्रृंखला को लेकर तमाम तैयारियां आज सफल होती नजर आईं, चाहे वो पटना के गांधी मैदान की बात हो या बेगूसराय की बात हो या सिवान की बात हो, तमाम जगह बिहार के तमाम जिलों में नजर आए मानव श्रृंखला। तो आपको सीधे ले चलते हैं पटना के गांधी मैदान, जहां से हमारे संवाददाता नवनीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कितनी सफल आज की मानव श्रृंखला रही है। नवनीत, आज एक बार फिर से पटना का गांधी मैदान उस ऐतिहासिक पल का गवाह बना है। तमाम लोग वहां पर मौजूद रहे, उन्होंने संकल्प लिया कि ना दहेज लेंगे ना देंगे, बाल विवाह के खिलाफ भी लोग खड़े हुए नजर आए। पिछली बार जो मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया था शराबबंदी के खिलाफ और इस बार जो मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ, कितनी बड़ी सफलता यह बिहार सरकार के लिए कही जा सकती है और कितना सफल आज का ये जो मानव श्रृंखला है वो रही है? देखिए अंजलि, बिल्कुल बिहार ने पिछले वर्ष 21 जनवरी को भी एक बड़ी लड़ाई का आगाज किया था गांधी मैदान से, और उस वक्त भी बिहार ने एक विश्व कीर्तिमान बनाया था। वो अभियान था नशाबंदी के खिलाफ, एक बड़े मानव श्रृंखला का, जिसमें बिहार सरकार को काफी हद तक सफलता मिली थी और पूरे बिहार के इस अभियान को राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी सराहना मिली थी। इस बार बिहार ने उससे भी एक कदम और आगे बढ़ते हुए दो सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ एक बड़े अभियान की शुरुआत की, और निश्चित तौर पे आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरह गांधी मैदान से उस अभियान की शुरुआत की और जिस तरह समाज के सभी वर्गों का उसको समर्थन मिला, निश्चित तौर पे इसकी मिसाल शायद ही कहीं देखने को मिलती है। और निश्चित तौर पे जो महिलाएं थी और समाज के तमाम वर्गों के लोग थे और उनकी जिस तरह की भूमिका थी इस मानव श्रृंखला में, निश्चित तौर पे उसकी जितनी तारीफ की जाए कम होगी। और इस सामाजिक अभियान में महिलाओं की भूमिका अहम थी। अभी हमारे साथ एनसीसी की लड़कियां हैं जो इस खुद अभियान का हिस्सा थी, वो क्या सोच रही है दहेज प्रथा को लेकर के, क्या लग रहा है कि सरकार ने ये जो अभियान शुरू किया है दहेज प्रथा के खिलाफ, बाल विवाह के जैसी कुरीतियों के खिलाफ, उसको लेकर के आप क्या सोच रही है? हम लोग सोच रहे हैं कि जो हम लोग के गार्जियन बाल विवाह जो खत्म हुआ दहेज पर था, और हम लोग के गार्जियन पढ़ाते नहीं थे और वो पैसा रखते थे दहेज देने के लिए, तो इसके लिए हम लोग बहुत खुश है कि दहेज पर था खत्म हो चुका और बाल विवाह, इसके लिए हम लोग आगे भी अभियान करेंगे और आगे भी मेहनत करेंगे और आगे आएंगे कि दहेज पर था पूरे अच्छे तरीके से खत्म किया जाए। आम लोगों से क्या अपील करना चाहेंगी जो दहेज लेते हैं या दहेज देते हैं, उनसे क्या आप? जो दहेज लेते हैं वो अपराध बनते हैं, दहेज नहीं लेना है और नहीं देना है। निश्चित तौर पर देखा लड़कियों के जो हौसले हैं काफी बुलंद है, और जिस तरह सरकार ने इस मुहिम की शुरुआत की है, निश्चित तौर पर अगर लोगों का समर्थन मिलता है तो निश्चित तौर पर बिहार में इस दिशा में लोगों की पहल होगी और इस सामाजिक कुरीति से बिहार मुक्त होगा। इसको लेकर के कई और महिलाएं हैं जो इस मानव श्रृंखला में सुबह से उस मानव श्रृंखला का हिस्सा थी, अभी भी गांधी मैदान में ये लोग मौजूद है। ये लोग किस रूप में देख रहे हैं, इनसे बात करते हैं। क्या लग रहा है कि सरकार ने ये जो अभियान की शुरुआत की है, क्या लगता है लोगों तक जो मैसेज सरकार को देना था वो मैसेज पहुंच पाया? हाँ, बहुत अच्छा से पहुंच पाया और काफ़ी दूर तक पहुंचेगा, और हम लोग का पूरा प्रोत्साहन रहेगा कि सब मतलब दहेज मुक्त हो, बाल विवाह नहीं हो। हम लोग हर समाज मतलब समाज में घूमू के हम लोग मतलब अपने तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। क्या लग रहा है कि जो ये पहल नीतीश कुमार ने शुरू की है, बिहार सरकार ने शुरू की है, कहीं ना कहीं बिहार इस बड़ी जो सामाजिक पीड़ा था इससे गुजर रहा था, महिलाओं को इसका सबसे अधिक खामियाजा भुगतना पड़ रहा था, तो किस रूप में आप लोग देखती हैं तमाम चीज़ों को? इससे बहुत सारा परेशानी होता था, अब गरीब लोग हैं उसके पास पैसा नहीं है, पैसा इकट्ठा करना है दहेज के लिए, तो उस सबसे तो बहुत सारा मतलब बचाव होगा, पैसा कोई बचाव होगा, लोग सोचेंगे कि दहेज नहीं देना है तो कुछ फ्री होकर के लड़की लोग को आगे बढ़ने मदद करेंगे। बिल्कुल, शराबबंदी को भी काफी बिहार में सफलता मिली थी, शराबबंदी के बाद जो है अब दहेज प्रथा को सरकार ने मुहिम बनाया है और इसके लिए वो अभियान चला रही है। क्या लग रहा है कि किस तरह महिलाओं को और आगे बढ़ने में मदद मिलेगी इस अभियानों से? आगे बढ़ने में तो मदद मिलेगा ही, इसलिए कि अब हर लोग सोचेगा कि हमको बेटी को पढ़ाना है, दहेज नहीं रखना है, पढ़ाना है, तो
तो पढ़ाना है तो महिला हर क्षेत्र में जैसे आगे बढ़ रही हैं तो और बढ़ेंगी। अब हर महिला अगर ये ठान ले कि हमको बेटी को आगे बढ़ाना है, और जैसे बेटी का जन्म होता है उसी समय से दुखी हो जाती है माँ कि अब हमको दहेज देना होगा, उसके लिए रखे बचा करके कुछ, तो अब तो मतलब उनका ये मतलब कि उद्देश्य हो जाएगा कि नहीं हमको बेटी को आगे पढ़ाना है और कुछ बनाना है। और हर लड़की हर जैसे आजकल लड़का लोग जैसे हर क्षेत्र में आगे बढ़ मतलब कि सोचता है कि हमको डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, उस तरह से हम लोग लड़की लोग को भी सोचेंगे कि डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, तो हम लोग उसको पढ़ाएंगे ही, शादी के बारे में तो सोचेंगे ही नहीं। तो बाल विवाह जैसे खत्म होगा वैसे दहेज भी हम लोग मतलब कि खत्म होना ही है। लड़का लोग आगे बढ़ रहा है, उस लड़की लोग भी आगे बढ़ेंगी निश्चित तौर पर। देखिए बिहार में महिलाओं का साफ तौर पर मानना है कि जब इस कुरीति से बिहार निजात पाएगा तो जो बिहार की बेटियां हैं वो पढ़ेंगी लिखेंगी, आत्मनिर्भर होगी, अपने पैर पे खड़ी होगी। और भी बहुत सारी महिलाएं उनसे जानते हैं, मैम किस रूप में देख रही है सरकार की इस पहल? हाँ, इस पहल सरकार की पहल तो बहुत अच्छी है, इसलिए कि अभी हमारे देश में हमारे बिहार में सबसे ज़्यादा महिलाएं या बेटियां को ज़्यादा दहेज के कारण उसे बहुत प्रताड़ित किया जाता था, उसके कारण पूरे फैमिली पूरे खानदान उसके जितने सारे परेशान होते थे। अगर ये हमारे देश से दहेज हट जाती है, दहेज का लेन देन खत्म हो जाता है, तो हमारे बिहार के लिए भी एक बहुत बड़ा गौरव की बात होगी। और क्या होगा कि और हमारे फैमिली भी जिस घर की बेटी का शादी होगा उसके फैमिली नहीं परेशान होंगे। और दहेज बहुत बहुत कुरीतियाँ हैं, बहुत ज्यादा शोक मनाते थे कि बेटी जन्म ले ली अब हम क्या करेंगे, अब चार को बेटी हो गई तो तीन को बेटी हो गई, कम से कम उससे तो मुक्ति मिलेगी ना, लड़की लोग को इज्जत मिलेगी, उसको जन्म पर उतना दुख नहीं होगा, चलो भाई उसको ही पढ़ाना लिखाना है, जैसे बेटा को पढ़ा रहे उसी तरह से बेटी को ही पढ़ाएंगे। तो जन्म पर ज्यादा मातम मनाता था कि बेटी क्यों हो गया, बेटा क्यों नहीं हुआ, उससे तो कम से कम निजात मिला ना। देखिए बिल्कुल ये बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण विडंबना है हमारे समाज की कि बेटियों को उपेक्षित रूप से देखा जाता है, उनके साथ भेदभाव किया जाता है। निश्चित तौर पे महिलाओं की जो पीड़ा है वो पीड़ा बाहर आ रही है। नीतीश कुमार की तरफ से ये जो आह्वान किया गया था तमाम लोगों से, लोग भी जुड़ते हुए इससे नजर आए हैं और लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे।